तो आज हम बना रहे हैं कोरियन ब्रेस्ड चिकन विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वी नीड 2 पोटैटोस एंड 1 कैरेट। आप इसकी जगह स्वीट पोटैटोस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक बाउल लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। उसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून सेसमी ऑयल। फिर इसमें हम 6 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे फिर इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड फाइनली 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न सिरप। सब इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं और अपने पैन को प्रीहीट करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसके बाद वी नीड 50 ग्राम्स ऑफ ग्लास नूडल्स। इन्हें हम 20 मिनट्स के लिए पानी में सोक कर देंगे। अब हम एक और बर्तन लेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। हम इस पे अपना तैयार किया हुआ मसाले का मिक्सचर पोर करेंगे। फिर हम इसमें 5 ml पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे 7 to 8 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकने देंगे। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें 1 चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। उसी के साथ कुछ स्प्रिंग अनियंस और रेड चिलीज ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 to 4 मिनट्स तक इसे हम मज़ीद पकाएंगे। चिकन का पकते हुए 2 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसमें अपने राइस नूडल्स ऐड करेंगे। आप इनकी जगह ग्लास नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा कोरियन ब्रेस्ड चिकन फाइनली रेडी हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व करते हैं।